नालागढ़ पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एटीएम लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से 25 केस दर्ज हैं। आरोपी को चोरी की गई होंडा सिटी कार के सहित काबू किया गया। बाकी आरोपियों को भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, ये हमारा एक एटीएम चोरी हुआ था 1 और 2 मई की मिड नाइट में, शनिवार की रात को 1 और 2 की मिड नाइट में। एक यूको बैंक का एटीएम था और हरिसन होटल के साथ था। हरिसन होटल के बिल्कुल साथ अंदर को जाके ये, इसमें हमने एक इसरार खान है और बदायूं डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसका, वहाँ का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया है और इसको कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से इसका 17 तक पुलिस रिमांड मिला है। ये एसपी साहब महोदय हमारे बद्दी वाले, उनकी दिशा निर्देशन में और सुपरविजन में एक टीम हमारी थी, साइबर टीम थी हमारी, एसएचओ नालागढ़ थे और इनके साथ सोलन से भी हमारे 3 पुलिस अधिकारी थे। सोलन और पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी की संयुक्त टीम ने इसको अरेस्ट किया है। हाँ, इसको इसके घर से किया है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में इसका गांव पड़ता है, वहाँ से इसको अरेस्ट किया है। और अभी इसके साथी जो हैं, एक धम्मा है और एक धम्मे की मासी का लड़का है और एक सोनू है कोई नेपाली, उनकी अभी गिरफ्तारी शेष। सर, कितना कैश बरामद हुआ इनके पास? हाँ, अभी कैश बरामद करेंगे। एक गाड़ी चोरी की थी इन्होंने अपने मोहाली से, वो गाड़ी जो यहाँ पे यूज़ की है, और एक रिकवरी वैन इन्होंने बद्दी से ही यहाँ से चोरी की थी और एक पिकअप भी चोरी की थी इन्होंने यहीं से। उन दोनों रिकवरी वैन और पिकअप को ही इस एटीएम की चोरी में यूज़ किया है। तो सर, इन पे पहले भी कोई केस दर्ज है? हाँ, इनका जो है ये 7 साल की सज़ा काटी है इसने, बुड़ैल जेल में और पटियाला जेल में। ये जो इसके साथी हैं, ये भी 7-7 साल की सज़ा काटी है इन्होंने, और कुछ 24-25 केस इनके चोरियों के हैं। और अभी ये हमने प्राइमरी स्टेज पे पूछताछ की है, तो अभी इन्होंने ब्रोटीवाला में अप्रैल में एक अटैम्प्ट हुआ था एटीएम का, वो माना है। और एक परवानू में जो अप्रैल में 14 अप्रैल 2019 को परवानू से एक NH के साथ से एटीएम चोरी किया था, वो भी इन्होंने अभी माना है। जो सर, बाकी आरोपियों कब तक गिरफ्तार? बस बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करेंगे, एफर्ट्स जारी हैं। बाकी बस की साहब की दिशा निर्देशन में हमारी साइबर टीम जो है अच्छा कार्य।